हेलो दोस्तों, आयुर्वेद अपनाएं, स्वास्थ्य अपनाएं। दोस्तों, आयुर्वेद ही एक ऐसी पद्धति है जो रोगों को जड़ से खत्म करती है। किसी स्त्री का प्रेग्नेंट होना केवल स्त्री की समस्या नहीं है, वो स्त्री के बाँझपन की वजह से नहीं होता है। कभी कभी पुरुषों में बाँझपन के कारण भी स्त्री प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। जब गर्भदान के समय में पुरुष में शुक्राणुओं की कमी रह जाती है तो स्त्री प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है, जिसको हम पुरुषों में बाँझपन बोलते हैं। लोग सोचते हैं कि केवल स्त्रियों के बाँझपन की वजह से स्त्रियां प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं, लेकिन ये बात सत्य नहीं है। पुरुषों की शुक्राणुहीनता की वजह से भी स्त्रियां प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। तो ज़रूरी है कि इस समस्या का इलाज किया जाए और जो पुरुष इस बीमारी के शिकार हैं वो इसका निवारण करें, ताकि वो संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त कर सकें। तो चलिए, इस वीडियो को देखते रहिए और जानिए कि आप इस बीमारी से किस प्रकार निजात पा सकते हैं। और हाँ, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप और भी विभिन्न तरह की महत्वपूर्ण विशेष जानकारियाँ प्राप्त कर सकें। पुरुषों में बाँझपन होने के विभिन्न तरह के कारण हो सकते हैं, जैसे कि अत्यधिक हस्तमैथुन करना। हस्तमैथुन करने से शरीर में शुक्राणुओं की कमी होने लगती है, जो कि बाँझपन का कारण हो सकती है। शरीर में न्यूट्रिएंट्स मिनरल की कमी होना भी शरीर में शुक्राणुओं की कमी का कारण हो सकते हैं, जो पुरुषों में बाँझपन की समस्या बढ़ा सकते हैं। तो ज़रूरी है कि अपने खान पान पर ध्यान दिया जाए। अत्यधिक परिश्रम करने से, अगर आप अपनी क्षमता से अत्यधिक फिजिकल वर्क करते हैं तो ये भी आपकी समस्या का कारण बन सकता है, अतः इसलिए अपनी क्षमता से अधिक कार्य ना किया जाए। फ्रेंड्स, एक चम्मच आप प्याज काट लें, उसमें आप एक चम्मच हनी ऐड कर लें और अच्छे से इसको मिक्स कर लें। इसको आप खाइए 40 दिन तक। जो भी पुरुष बाँझपन के शिकार हैं वो इस उपचार को प्रयोग में लाएं, ये पुरुषों के बाँझपन को दूर करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इस उपचार को प्रयोग में लाएं और पुरुष अपना बाँझपन मिटाएं। कुछ विशेष बातें होती हैं जो हमें अपने ध्यान में रखनी चाहिए, जो हमें बीमारियों से दूर रखने में हमारी मदद करती है। नशा एक ऐसी आदत है जो हमारे शरीर में बाँझपन जैसी समस्या को तो लाता ही है, साथ ही साथ और अन्य प्रकार की भी बीमारियों को हमारे शरीर में ले आता है। तो ज़रूरी है कि नशे से दूर रहा जाए, अपने खान पान पर ध्यान दिया जाए, न्यूट्रिएंट्स और मिनरल से भरपूर भोजन लिया जाए। हरी सब्जियां हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं, तो हरी सब्जियों का सेवन किया जाए तथा इसी सभी के साथ साथ अपनी सोच को सकारात्मक बनाया जाए। मानसिक तनाव से दूर रहिए, मानसिक तनाव आपके शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। तो डियर फ्रेंड्स, आप इन्हीं सभी बातों को अपने ध्यान में रखिए और इसी के साथ साथ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए तथा सभी के साथ शेयर कीजिए। आगे मैं हाजिर होंगी आपके लिए और भी विशेष महत्वपूर्ण होम रेमेडीज लेकर। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। स्टे हेल्थी एंड टेक केयर। बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।